हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, केंद्र सरकार के कई मंत्री कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल की टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मेघवाल इस वक्त एम्स में भर्ती है। आपको यह भी बता दें कि मेघवाल वही मंत्री हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले खास ब्रांड के पापड़ को कोरोना से लड़ने में कारगर बताया था। 25 जुलाई की इन तस्वीरों में भाभी जी पापड़ का प्रचार कर रहे थे केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री और राजस्थान के बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल। कोरोना से लड़ाई में भाभी जी पापड़ को मददगार बता रहे थे मंत्री जी। भाभी जी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है, कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। भाभी जी पापड़ की लॉन्चिंग के अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं कि मंत्री जी भी आ गए हैं कोरोना की चपेट में। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कोरोना हो गया है। ट्वीट कर उन्होंने खुद ही इसकी जानकारी दी। मेघवाल ने कल रात बताया, कोरोना के शुरुआती लक्षण आने पर मैंने टेस्ट करवाया। पहली जांच नेगेटिव आने के बाद दूसरी जांच पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर एम्स में भर्ती हूँ। मेरा निवेदन है कि जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं वो कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देश में कोरोना के इस वक्त 20 लाख से ज्यादा मरीज हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले 4-5 दिन से रोज 50,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कोरोना की चपेट में आना इतना न चौंकाता अगर वो भाभी जी पापड़ के प्रचार के उलझुलूल दावे न करते। देश और दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर कोरोना का इलाज खोज नहीं पा रहे हैं, लेकिन मंत्री जी 15 दिन पहले दावा कर रहे थे कि फलां ब्रांड के पापड़ से शरीर में कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडीज बन जाती है। भाभी जी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। भाभी जी पापड़ लॉन्च हुआ तो इसे बनाने वाली कंपनी खुलेआम दावा करने लगी कि ये भारत का सबसे पहला इम्यूनिटी बूस्टर पापड़ है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इम्यूनिटी बूस्टर पापड़ का प्रचार हुआ। केंद्र सरकार के जिम्मेदार मंत्री मेघवाल भी इसका प्रचार करने से नहीं चुके। अब सवाल तो उठेंगे ही कि क्या ये खास पापड़ खाकर मंत्री जी ने अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाई, या फिर कोरोना जैसे संकट काल में एक जिम्मेदार मंत्री ने नीम हकीम की तरह एक अफवाह का प्रचार किया। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि ये कोरोना का संकट काल है, ऐसे में हमें अफवाहों से बचना है। अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, कुछ लोग 4 नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढीकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें, हम स्वयं डॉक्टर न बन जाए। एबीपी न्यूज और मेघवाल के चाहने वाले हमेशा दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द कोरोना को मात दें और स्वस्थ होकर घर लौटें। तो मंत्री जी भाभी जी पापड़ से एंटीबॉडी बनाने की बात कर रहे थे लेकिन अब खुद कोरोना से संक्रमित हो गए हैं।